ये लोक दास्तान मुगल अहद में पेशावर के किस्सा खानी बाजार से मशहूर हुई, जहां सदियों से ताजरों और सौदागरों के कारवान तिजारत की गर्ज से आते थे। ऐसा ही एक कारवान ताजरों और सौदागरों के सामान के साथ जरनैली सड़क पर पंजाब के मैदानी इलाकों से पेशावर के लिए रवाना हुआ। रात को एक कोस मीनार पर आराम किया। जहां से एक दरवेश भी इस कारवान के साथ सुबह सवेरे शामिल हुआ। एक लंबा सफर तय करने के बाद ये कारवान लाहौरी गेट से दाखिल होकर गोर गठड़ी से होते हुए किस्सा खानी बाजार पहुंच गया। दरवेश कारवां से अलग होकर घूमते घूमते सफेद संगमरमर से बनी मोहब्बत खान मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद के दरमियान में साफ शफाफ तालाब, तीन बड़े गुंबद, आठ छोटे और दो बड़े मीनार थे और पांच बड़े दरवाजों के अंदर और बाहर चारों तरफ मुकरना, गालिबकारी, नक्काशी, पिंजराकारी, संगी नक्शोनिगार, खत्ताती, खश्ती कंदाकारी, शीशाकारी और शफाफ संगमरमर पर रंगीन धारियों का एक खूबसूरत सिलसिला था। इस खूबसूरत सिलसिले ने दरवेश को अपने शहर में जकड़ लिया। इसी लम्हे दरवेश ने मस्जिद मोहब्बत खान को उठाकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, दरवेश ने मस्जिद के पास एक दरख्त के नीचे अपने मातहत जिन को बुलाया। मस्जिद को उठाकर अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन एक मकामी मोची जाग रहा था और ये सारा माजरा देख और सुन रहा था। मस्जिद को हवा में उठता देखकर मोची ने अपने संदूक से रेशमी धागा और सुआ निकाला। रेशमी धागे के एक सिरे से मस्जिद का एक कोना कसकर बांध दिया और दूसरा सिरा सुए में डालकर अपनी पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया, जिससे मस्जिद दोबारा अपनी जगह बैठ गई। मोची का अपनी सकाफत और वर्से से प्यार और इसकी हिफाजत के जज्बे को देखकर दरवेश ने हार मान ली और वो वहां से खाली हाथ लौट गया। आज भी लोग कहते हैं कि मस्जिद मोहब्बत खान का एक कोना इसीलिए जमीन में धंसा हुआ है।